हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप ऑल यू आर गुड। कैसी चल रही है भाई आपकी प्रिपरेशन? अच्छी चल रही होंगी आई होप। तो बच्चों, आज हम एक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से बेटा एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट रहता ही है, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल, कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। ये चैप्टर बच्चों वाले हम डील करने जा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं बेटा, इसका पहला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर बेटा 21-22 में बेटा पूछा जा चुका है, ठीक है, विच इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं विच इज नॉट, ये बोल रहे हैं भाई, एक मिनट, विच इज नॉट एन इनहेरिटेड डिजीज। इनहेरिटेड डिजीज बेटा वो डिजीज होती है विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, टू प्रोजेनी, ठीक है भाई। इनहेरिटेड डिजीज बेटा वो डिजीज होती है जो पेरेंट्स के प्रोजेनी में पास कर रहे हैं। तो वो देख लेते हैं बेटा कैसी कैसी वो डिजीज कौन सी है यहाँ पे। तो पहली डिजीज दैट इज टाइफाइड, दैट इज टाइफाइड, ठीक है। तो यहाँ पूछा बेटा जो इनहेरिटेड डिजीज नहीं है, ठीक है, यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ना हो। तो बेटा हीमोफोलिया पास होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, ठीक है। हीमोफोलिया में क्या होता है बच्चों, ये बेसिकली क्या होता है बेटा, एक तरह की डिजीज है जो आपकी जेनेटिक डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है बच्चों, जिस भी ऑर्गेनिज्म को बेटा ये हो जाएगी उसका जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा, उसका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, दैट इज हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस बेटा कुछ बेसिकली ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, ह्यूमंस भी होते हैं बच्चों, जिनको स्पेसिफिक कलर में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट हम देखिए आपका क्लाइन फिल्टर, क्या देखेंगे बच्चों, क्लाइन फिल्टर। क्लाइन फिल्टर बेटा एक सिंड्रोम होता है जो कि आपका जेनेटिक है। जैसे बेटा एक ही डिजीज ऐसी है जो आपकी क्या है बेसिकली इनहेरिटेड नहीं है, दैट इज टाइफॉइड, दैट इज टाइफॉइड, दैट इज टाइफॉइड, ठीक है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखिए बेटा पेप्टिक अल्सर, कैसे बच्चों, अल्सर बच्चों, पेप्टिक अल्सर आर कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होते हैं बच्चों की आपका पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो बच्चों राइजोबियम क्या है, एक फंगस है, स्ट्रेप्टोकोकस है बेटा क्या है आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बेटा दही के अंदर पाया जाता है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट एक्सेप्ट हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, बच्चों याद रखिएगा। हो सकता है अगली बार स्ट्रेप्टोकोकस से पूछ ले, लैक्टोबैसिलस से पूछ ले कि ये कहाँ पाए जाते हैं, उस तरीके से बच्चों क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज क्लोरेला इज स्प्रेड बाय, क्लोरेला इज स्प्रेड बाय, क्लोरेला बेटा एक टाइप ऑफ डिजीज है, ठीक है, जो किससे होती है बच्चों, किससे होती है भाई, वाटर से होती है, किससे होती है बच्चों, स्प्रेड बाय वाटर। तो वाटर बेटा देखो इसमें कहाँ पे है, ब्लड टू ब्लड तो बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हैंड शेकिंग बेटा बेसिकली आपकी कम्युनिकेबल डिजीज थोड़ी जो हैंड शेकिंग हो जाएगी। ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर बेटा कैसा होता है आपका, इन्फेक्टेड वाटर, कैसा वाटर बच्चों, इन्फेक्टेड वाटर, ठीक है। इन्फेक्टेड वाटर बेटा पीने से क्या होता है आपका, क्लोरेला होता है, क्या होता है बच्चों, क्लोरेला होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए आपका ब्रीथिंग इन इन्फेक्टेड एयर, तो बेटा ये भी इसका राइट आंसर नहीं है, दैट राइट आंसर इज सिंपली ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। बेटा ये आपका 19 और 20 में पूछा जा चुका है, इसको घुमा फिरा करके और भी बेटा किसी तरीके से क्वेश्चन आया पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट हम देखिए बच्चों राउंड वर्म, राउंड वर्म किसको बोलते हैं भाई, एस्किलमेंथीज को, किसको बोलते हैं बच्चों, एस्किलमेंथीज को बोलते हैं, जो इनफैक्ट एक्सक्यूज मी बच्चों, राउंड वर्म बेटा ये इनफेक्ट इनफेक्ट ह्यूमन बाय, किसके थ्रू बेसिकली क्या करता है बच्चों, इनफेक्ट करता है किसको, ह्यूमंस को, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स। चलो बच्चों नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन देखने आ रहे हैं, दैट इज राउंड वर्म इज इनफेक्ट ह्यूमंस बाय, किसके थ्रू इनफेक्ट करता है बच्चों किसको, राउंड वर्म बेसिकली किसके थ्रू इनफेक्ट करता है। तो हम देख लेते हैं बच्चों पेनिट्रेशन ऑफ स्किन, ठीक है, बाय इन्फेक्टेड लावा, दैट कुड बी, दैट कुड नॉट पॉसिबल इन इवन, इसी भी केस में बेटा ये पॉसिबल नहीं है। इन्फेक्टेड लावा रीचिंग थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि जो इन्फेक्टेड लावा होता है कहाँ रीच करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, ठीक है। थ्रू इम्प्रॉपर कुक्ड कुक्ड पॉर्क, पॉर्क यानी कि बेसिकली जो फ्लैश फूड होता है किसका बेटा, पिक का, पिक का जो बेटा फ्लैश फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉर्क बोलते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एग प्रेजेंट इन कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, एग प्रेजेंट इन कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, बेटा इसका राइट आंसर है, ये बच्चों इसका राइट आंसर है। दूसरा बच्चों क्या आपका, ऑटो इन्फेक्शन, ऑटो इन्फेक्शन का क्या मतलब है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ऑटो मतलब अपने आप से इन्फेक्शन कैसे हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। चलिए हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 2005,
ठीक है, तो नोबेल प्राइज बच्चों किसको मिला था, किसके लिए बच्चों? फिजियोलॉजी के लिए और मेडिसिन के लिए। तो फिजियोलॉजी बेटा एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो बेसिकली डील करती है किस पे, आपका स्पेसिफिक किस आपका फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन। ठीक है, फिजियोलॉजी बेटा एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, नोट करने के लिए बच्चों, फंक्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन की अगर हम बात करें किसी ऑर्गन की बेटा बात करें तो उसका क्या फंक्शन है, उसकी स्टडीज को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फिजियोलॉजी। एंड मेडिसिन, मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो उसका राइट आंसर बच्चों क्या है आपका, राइट आंसर क्या है बच्चों उसका, दैट इज ठीक है, मार्शल एंड वॉरेन ने बेटा क्या किया था इसका, क्या किया था भाई, इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, कब? फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में। ठीक है, दैट इज। और जो बेटा बाकी सारे इसके ऑप्शन थे, दैट इज ऑल आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आपको, जापानीज इंसेफेलाइटिस जो एक डिजीज है बच्चों, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है, दैट इज ब्रेन फीवर, दैट इज ब्रेन फीवर इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है? ठीक है, तो जापानीज इंसेफेलाइटिस है बच्चों ये किसकी वजह से होता है, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। तो उसको देख लेते हैं बच्चों, क्या ये बैक्टीरियल डिजीज है? नहीं। ठीक है, प्रोटोन डिजीज है? नहीं भी, प्रोटोन भी नहीं है और फंगल भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन पूछा, दैट इज गुड, दैट इज योर वायरल डिजीज, दैट इज योर वायरल डिजीज और कुड बी वायरस डिजीज। ठीक है भाई, चलिए। पेप्टिक अल्सर इज कॉज्ड बाय क्या बच्चों? पेप्टिक अल्सर इज कॉज्ड बाय, ठीक है, पेप्टिक अल्सर क्या बेसिकली किससे कॉज होते हैं? ठीक है, तो हम देख लेते हैं आपका, ट्रिपैनोसोमा मैमली से होते हैं? नहीं होते भाई। ठीक है, एल टोनोसो इससे भी नहीं होता बच्चों। ठीक है, एल सेफिजेडियम इससे भी नहीं होता बच्चों, किससे होता है आपका? हेलिनोबैक्टर पाइलोरिक से, किससे बच्चों? हेलिनोबैक्टर पाइलोरिक से। ये सब याद करके जाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक एक वर्ड के बेटा इनके आंसर है। ठीक है, तो ये सब आपको बेटा पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों टाइफॉइड, क्या देखेंगे बच्चों? टाइफॉइड, तो टाइफॉइड कौन कॉज करता है? टाइफॉइड एक बेसिकली कैसी डिजीज है बच्चों, कैसी डिजीज है टाइफॉइड, एक कैसी डिजीज है बताएं जरा, ये बच्चों बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी डिजीज है बच्चों? बैक्टीरियल डिजीज है, ना ये वायरल है, ना फंगल है, ना बेटा आपका प्रोटोजोअल है। ठीक है भाई, चलिए। एड्स डिजीज वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन, कहाँ डिटेक्ट की गई थी भाई आपकी जो एड्स डिजीज है, फर्स्ट टाइम पे कहाँ पाई गई थी? ठीक है, इंग्लैंड के अंदर? नहीं, इंग्लैंड के लोग बहुत साफ सुथरे रहते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर? नहीं भाई, इंडिया के अंदर कल्चर तो बेटा बहुत अच्छा है, तो यहाँ तो बेसिकली एड्स हो ही नहीं सकता। एक ही ऐसी कंट्री है बेटा जो थोड़ी बेसिकली क्या रहते हैं आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो बहुत बेसिकली क्या रहते हैं आपके सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। ठीक है, दैट इज इन यूएसए, दैट इज इन यूएसए सबसे ज्यादा बेसिकली क्या होती है एड्स जो बेटा, फर्स्ट यही भी डिटेक्ट किया गया था, सबसे ज्यादा जो बेटा एड्स के पेशेंट है वो आपके यूएसए के अंदर ही है, सबसे ज्यादा बेटा यूएसए के अंदर ही क्या है आपके एड्स के पेशेंट है। तो दैट इज ऑल अबाउट बेटा वाई डू बी फॉलो। ठीक है, जो वाई डू बी फॉलो बेटा चैप्टर था ये आपका कंप्लीट हो चुका है, जितने भी लास्ट ईयर के अंदर क्वेश्चन रहे बेटा वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट बेटा हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्या लिखेंगे बच्चों? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो आपके चैप्टर है, इसमें से बेटा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी बेटा हर साल पूछे ही गए हैं, कभी किसी बेटा किसी किसी साल बेटा तीन क्वेश्चन तक इसमें आए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं बच्चों उस यहाँ से, नंबर ठीक है, कितने बच्चे नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा ऐसे कितने पूछे गए हैं, तीन नंबर ऑफ क्वेश्चन बेसिकली, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा थ्री हर साल यहाँ पे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, क्या बच्चों? ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय अ स्पीशीज ऑफ जीनस, किस जीनस से बेसिकली वो बिलोंग करता है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो दैट जीनस इज सिंपली नोन एज पुशीनिया, दैट जीनस सिंपली नोन एज पुशीनिया, ना बेटा वो राइजोबस है, ना मीकर है, ना एल एस्परगिलस है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखिए आपका प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो प्लांट के अंदर बेटा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, डज नॉट ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट नहीं करता प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बच्चों, भाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या करेगा, तो सर्कुलेटरी फ्लूड ट्रांसपोर्ट करेगा ना, दैट कुड क्या हो गया बेसिकली, प्लांट हार्मोन तो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर भी होता है, और क्या होता है और क्या होता है भाई बताइए, गैसेस थोड़ी होंगी, गैसेस थोड़ी ना बच्चों ट्रांसपोर्ट होती है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, CO2, क्या होगा बच्चों? CO2। नेक्स्ट हम देखिए अपना प्लांट कार्बन इज सप्लाइड फ्रॉम, जो प्लांट कार्बन है बेटा वो कहाँ से सप्लाई किया जाता है, प्लांट के अंदर बेटा कार्बन है वो कहाँ से जाता है? ठीक है, तो बेटा प्लांट बेटा जो कार्बन है बेटा वो लेते हैं कहाँ से आपका, CO2 से, कहाँ से बच्चों? CO2 से। ठीक है, अब CO2 बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, एयर के अंदर, कहाँ पे बच्चों? एयर के अंदर, तो राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों उसका, एयर होगा। ठीक है, ना इसका सनलाइट है, ना सॉइल है बेटा, वाटर है।
Which of the following alternative is incorrect? ठीक है, जो बेटा फॉलोइंग अल्टरनेटिव है, इसमें से बेटा हमें क्या बनाता है, क्या बताना है बच्चों, इनकरेक्ट बताना है। तो देख लेते हैं बेसिकली, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, और जो राइट है बेटा वो क्या होगा, देख लेते हैं। जर्सी एंड बॉसा स्विस आर द ब्रेड ऑफ कैटल्स। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं होता। जर्सी एक बेसिकली क्या है आपका, एक हाइब्रिड ब्रीड है। क्या है बच्चों, एक हाइब्रिड ब्रीड है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। एसिल एंड लॉन्गर्स आर दी ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। नहीं भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए आपका, पॉम्फेट एंड बॉम डक्स आर दी डोमेस्टिक फॉल्स। क्या भाई सही है ये, क्या भाई ये सही है? दैट इज राइट, दैट इज राइट बेटा, यही इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखिए आपका, राहुल कटला आदि फ्रेश वाटर। नहीं भाई, मराइन वाटर फिश है। कैसी फिश है भाई, मराइन वाटर फिश है। चलिए नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन बेटा आपके लिखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओगे, थोड़ा सा पढ़ के जाओगे, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रबी क्रॉप, रबी क्रॉप का बेटा एग्जाम्पल इसमें बताना है। मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल बेटा सारे याद करके जाइएगा, तो रबी क्रॉप का जो एग्जाम्पल है बेटा वो क्या है, इसमें से बताएं जरा। दैट इज योर व्हीट। ठीक है, ना राइस है बच्चों, ना कॉटन है, ना मेज है। ठीक है, कब आया बेटा ये, 14-15 में आपको पूछा जा चुका है। तो रबी के, जैद के और खरीफ के बेटा तीनों के बेसिकली आपको जो एग्जाम्पल है बच्चों वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऑफ क्रॉप प्लांट, यानी कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है बेटा किसी भी क्रॉप प्लांट के अंदर, वो कौन सा बेटा इसमें से एग्जाम्पल है, किसकी बात हो रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा कौन सा इसमें माइक्रो है। ये तो बेटा मैक्रो में आता है, ये भी मैक्रो में आता है, ये भी मैक्रो में आता है, तो माइक्रो में क्या बचा, सिर्फ माइक्रो में क्या बचा भाई, मैंगनीज। क्या बचा बच्चों, मैंगनीज बचा। ठीक है, तो मैंगनीज दी राइट आंसर, मैंगनीज इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए बेटा, ब्राउन जो ब्राउन स्विस है बेटा, एक एग्जॉटिक ब्रीड है। कैसी ब्रीड है बच्चों, एक एग्जॉटिक ब्रीड है। किसकी ब्रीड है भाई ब्राउन स्विस, ये बेटा ब्रीड है किसकी आपकी, काऊ की। किसकी बच्चों, काऊ की। ठीक है, बफेलो की नहीं है बच्चों, हैन की भी नहीं है, और व्हीट की भी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, विच इज नॉट द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी। ठीक है, क्या आपका करेक्ट साइंटिफिक नेम नहीं है किसका बच्चों, हनी बी का। ठीक है, तो बताना है बच्चों करेक्ट साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो एपिस बेटा क्या होता है आपका, साइंटिफिक नेम है, दैट इज द जीनस ऑफ हनी बी। ठीक है, तो एपिस बेटा सब में है। ठीक है, तो ये तो कॉमन हो गया। ठीक है, इंडिका भी हम इसको यूज करते हैं, डोरसेटा भी यूज करते हैं बेटा, मेलीफेरा भी यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली क्या है इसके बच्चों, स्पीशीज है किसकी बच्चों, एपिस की। किसकी बच्चों, एपिस की, दैट योर हनी बी। ठीक है, तो इसमें एक ही बेटा एग्जाम्पल है जो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन है, दैट इज एपिस टेनियाटा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो हमको पूछा गया था बच्चों क्या नहीं है, तो हमने बता दिया, दैट इज एपी टेनियाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट का बेटा क्या एग्जाम्पल है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो बेटा ये हमें बताना है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बेटा क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में बेटा इसमें से क्या आता है वो देख लेते हैं। अभी मैंने बताया बेटा ऊपर, ये तो आपका किसमें आता है, मैक्रो में आता है, ये भी मैक्रो में आता है, और ये भी मैक्रो में आता है। तो एक ही बेटा यहाँ पे बेसिकली क्या आपका जो एंजाइम है बेटा, या फिर जो एलिमेंट है बेटा, वो किसके अंदर आता है आपका, माइक्रो में आता है। किसमें आता है बच्चों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है। माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है ये समझ लीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट बेटा जो स्पेसिफिक एक जो मॉलिक्यूल होगा बेटा, एक सर्टेन साइज से ज्यादा जिसका एक मॉलिक्यूल बेटा बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका जो साइज होता है वो सर्टेन साइज से छोटा होता है, दैट इज ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए आपका, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे ज्यादा बेटा आयरन किसमें होता है। ठीक है, तो ग्रेप्स में तो भाई एसिड होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो बेटा नहीं होगा, मैंगो के अंदर बेसिकली ग्लूकोज की फॉर्म स्टार्च वगैरह बेटा इसमें पाया जाता है, बनाना में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये सारी चीजें हैं, कैल्शियम वगैरह होता है। एक ही बचा बच्चों, डेट जो बेटा बोलते हैं जिसको, खजूर। ठीक है, तो खजूर बेटा खाना चाहिए, जो इसमें अच्छा खासा अमाउंट ऑफ बेसिकली क्या होता है बच्चों, आयरन होता है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखिए आपका, मिल्क एंड एग्स। ठीक है, क्या बच्चों, मिल्क एंड एग मिक्स अ कंप्लीट फूड। क्या ये कंप्लीट फूड बना सकते हैं, विच वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, विद मिल्क लैग विद एग। ठीक है, कंप्लीटेड। ठीक है भाई, क्या समझे, ये बोल रहे हैं कि जो मिल्क होता है एग के साथ जब दिया जाता है तो कंप्लीट फूड बेसिकली बन जाता है। ठीक है, विच वन न्यूट्रिएंट विच मिल्क लैग, जो मिल्क के अंदर नहीं पाया जाता लेकिन एग उसको कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, दूध के अंदर बेटा प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। ठीक है,
नहीं होते हैं तो बेटा क्या नहीं होते हैं, सिर्फ आपके आयरन नहीं होते। आयरन किसमें पाया जाता है बच्चों? एग के अंदर। किसके अंदर बच्चों? एग के अंदर, ठीक है। तो बेटा हमको क्या करना चाहिए, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को बेटा एलर्जी हो जाती है दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लेने से, ठीक है। तो बेटा आप देखिए आपकी बॉडी कैसी है, और दोनों को लेंगे बेटा तो कंबाइंड क्या मिलेगी बच्चों, कंप्लीट डाइट बनेगी, प्रोटीन भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी, कार्बोहाइड्रेट भी और आयरन भी। चलो बच्चों, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच इज द विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी का बेटा रिचेस्ट सोर्स क्या है, ये हमको बेसिकली क्या करना है बच्चों, बताना है। ग्रेप्स में बेटा होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है, ऑरेंज में भी होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है, लेमन में भी अच्छा खासा होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है। सबसे ज्यादा बेटा पाया जाता है किसमें? आंवला में। किसमें बच्चों? आंवला में। अब विटामिन सी की बच्चों बात करें तो विटामिन सी बेटा किसमें काम करता है, बेसिकली हीलिंग में काम करता है बच्चों। किसमें काम करता है? हीलिंग में, ठीक है। जो बॉडी में बेटा जो पार्ट्स या टिश्यूज बेसिकली क्या कर जाते हैं बेटा, रिपेयर कर जाते हैं, उसकी जो हीलिंग होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन सी की वजह से होती है, ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। व्हिच इज अ स्टेम अमंग्स द फॉलोइंग, ये पूछो भाई कौन सा इसमें ऐसा पार्ट है बेटा जो एक स्टेम की तरह बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये हमको बताना है बेटा, सारे देखे जाए तो बेसिकली आपके अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड बेटा पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? अंडरग्राउंड ये आपके पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से स्टेम का पार्ट कौन सा है, स्टेम का पार्ट हमें बताना है, ठीक है। तो बेटा स्टेम का पार्ट इन सब में होता है लेकिन वो जमीन के अंदर ही होता है, ठीक है। जो बेसिकली स्टेम की डेफिनेशन है बेटा वो सिर्फ एक ही के ऊपर अप्लाई होती है, विच इज पोटैटो, विच इज पोटैटो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है भाई, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? पोटैटो है, ठीक है। कैरेट भी बेटा रूट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे आपका? कहाँ पे? जमीन के अंदर। ये भी बेटा जमीन के अंदर होता है और ये भी जमीन के अंदर ही होता है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं बच्चों, ये भी जमीन के अंदर ही पाया जाता है, जो हमारा पोटैटो है बच्चों ये भी जमीन के अंदर ही होता है, लेकिन उसको फिर भी हम क्या बोलते हैं, ये किसका पार्ट होता है? स्टेम का पार्ट होता है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट हम देखिए बेटा, एनर्जी गिविंग फूड सोर्स आर, जो एनर्जी देने वाले बेसिकली क्या होते हैं आपके फूड होते हैं वो क्या है इसमें, ठीक है। एनर्जी बेटा यानी कि जिसमें कार्ब ज्यादा हो, जैसे कि आपके क्या है बेसिकली सीरियल्स हैं, जैसे कि आपका बेटा राइस है या फिर आपका वीट है, क्या है बच्चों? राइस है या फिर वीट है, ये आप बेसिकली गुड सोर्स ऑफ क्या है बच्चे? एनर्जी है, ठीक है। प्रोटीन है, मिल्क है, मीट है, इस सब में क्या होता है? एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। ये बॉडी बिल्डिंग को बेसिकली काम करते हैं बच्चों। वैसे बेटा बात की जाए किसके, मिनरल्स और विटामिन की, तो बेटा ये इन्वॉल्व होता है किसमें? कैटालिटिक एक्टिविटीज के अंदर। किसके अंदर बच्चों? कैटालिटिक एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि आपके मिनरल्स और विटामिन, ठीक है। अगर ऑल ऑफ अबव की बात करें बेटा तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों कि आपका सीरियल्स लाइक राइस एंड वीट, ये भी गुड सोर्स ऑफ क्या है बच्चों? एनर्जी और फूड है। चलो नेक्स्ट हम देखिए बच्चों आपका, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लेड टोमेट इज अ कॉमन एडल्ट्रेंट, ठीक है। ये किसके अंदर पाया जाता है और किसी कैसा एडल्ट्रेंट है, ठीक है। तो बेटा क्या होता है आपका, ये कहाँ पाया जाता है जरा देखते हैं, देखते हैं बच्चों। ये लेड क्रोमेट बेटा जो इसलिए कॉमन एडल्ट्रेंट बेटा जो पाया जाता है किसके अंदर आपका? पाउडर्ड हल्दी के अंदर। किसके अंदर बच्चों? पाउडर्ड हल्दी के अंदर बेटा ये पाया जाता है, ठीक है ना। धनिया के अंदर होता है ना, मिर्च का होता है ना, एडिबल ऑयल के अंदर होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे इन विच रेस्पेक्ट्स फैट असेंबल्स दी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है भाई। यानी कि इस रेस्पेक्ट में बेटा जो फैट्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं आपके, रिसेंबल करते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है भाई। तो एक ही फॉर्म है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज द राइट आंसर, इट इज द राइट आंसर। दैट इज योर रॉन्ग आंसर, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर, दैट इज ऑल्सो योर रॉन्ग आंसर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिफाई द विटामिंस वो, ठीक है, विच एज सच इज नॉट अवेलेबल इन वेजिटेबल्स। बेटा वो विटामिन आपको बतानी है जो बेसिकली अवेलेबल नहीं होते बच्चों किसके अंदर आपका? वेजिटेबल्स के अंदर, ठीक है भाई। के भी होती है आपकी विटामिन की, आपकी मिल जाती है बच्चों हरी सब्जी के अंदर। ई भी होती है और ए भी होती है, नहीं होती है तो बच्चों क्या सिर्फ आपका? एब्सारिक एसिड। क्या होती है बच्चों? एब्सारिक एसिड। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों उसका? एस्कॉर्बिक एसिड होगा बच्चों, ठीक है ना। के होगा ना ई होगा ना ए होगा, इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बच्चों, जो हमारी डाइट होती है इसके अंदर बेसिकली जो बहुत ज्यादा क्या होंगे बच्चों? मेज होंगे, ठीक है।
तो कॉज करते हैं आपका क्या, डिसबैलेंस है नियासिन। नियासिन बेटा एक टाइप ऑफ बेसिकली क्या आपका अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। तो इससे क्या दिक्कत हमको होगी, इससे क्या दिक्कत हमको होगी, ठीक है, हमारा जो एब्जॉर्प्शन है बेटा वो कम हो जाएगा, हमारा जो एब्जॉर्प्शन क्या होगा बच्चों कम हो जाएगा, ठीक है। इससे क्लियर, हमारा जो एब्जॉर्प्शन है बच्चों जब नियासिन जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखिए बच्चों, केमिकल मेथड दी केमिकल मेथड, ठीक है, अडॉप्ट फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड, ठीक है, यानी कि अडॉप्ट किया गया बच्चों किसके लिए आपका, कंट्रोल करने के लिए किसको, वीड को। वीड क्या होते हैं बच्चों, अनवांटेड प्लांट, क्या होते हैं बच्चों, ये अनवांटेड प्लांट होते हैं जो बेसिकली डिफाइंड प्लांट के अंदर ग्रो कर जाते हैं, किसके अंदर बच्चों, एक डिफाइंड प्लांट के अंदर ग्रो कर जाते हैं, इज क्लियर। चलिए तो इसको बेसिकली हम कैसे बेसिकली क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, इसको हम कैसे बेसिकली प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, क्या स्प्रे हम करेंगे बच्चों जिससे क्या होगा ये प्रिवेंट हो जाएगा, तो देख लेते हैं आपका, दैट इज योर 2,4-डाई फिनो एसिटाइल एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली हम स्प्रे करेंगे तो बेटा क्या होगा आपका जो वीट है बेसिकली वो ग्रो नहीं करेंगे, इज दैट क्लियर। चलिए भाई तो बेटा आपका कंप्लीट हो गया कि आपका नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचा, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्या कंप्लीट हो गया बच्चों, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ आप मूव कर रहे हैं, दैट इज योर लाइफ प्रोसेस, दैट इज योर लाइफ प्रोसेस। बेटा लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बेटा 3 से 4 चार्ट क्वेश्चन तो इजिली रहते हैं, कितने बच्चों, नंबर ऑफ क्वेश्चन आर अराउंड आपका 4, ठीक है। तो चार क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बहुत अच्छी मेरिट बेटा आपकी लेके जा सकते हैं, ठीक है, और ये गलत हो गए तो बेटा अच्छे खासे मेरिट भी आपकी डाउन आ सकती है। बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बेटा इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, सब कुछ देखते हैं बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों, चलिए तो पहला क्वेश्चन बेटा ये है आपका, ये जो लाइट डिपेंडेंट स्टेज है, कैसी बच्चों, लाइट डिपेंडेंट स्टेज है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर कैन नॉट बी कैरी आउट बाय कैरी आउट विदाउट, ठीक है, आउट विदाउट, यानी कि बेसिकली जिसको जब तक बेटा उसको हम आउट नहीं करेंगे जब तक बेसिकली क्या होगा जो लाइट डिपेंडिंग उसकी स्टेजेस है वो फॉर्म नहीं होंगी, वो फॉर्म नहीं होंगी, ठीक है। तो दैट इज योर वाटर, दैट इज योर वाटर, ठीक है ना बेटा, ऑक्सीजन है ना कार्बन डाइऑक्साइड है ना हाइड्रोजन है, ये बेटा सिर्फ किसकी वजह से होता है, ओनली बिकॉज ऑफ वाटर की वजह से होता है। नेक्स्ट हम देखिए बेटा, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ नेफ्रॉन, क्या बच्चों, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि जो कॉम्पोनेंट ऑफ नेफ्रॉन है बच्चों इसका करेक्ट सीक्वेंस हमको बताना है, क्या बताना है बच्चों, करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले बेसिकली क्या आता है आपका, ब्रोमिन कैप्सूल आता है, ठीक है, फिर डीसीटी में जाते हैं, एकदम सही है, लूप ऑफ हेनली में जाते हैं, फिर डीसीटी में जाते हैं, बच्चों ये तो एकदम करेक्ट है, ठीक है, एकदम करेक्ट है, डीसीटी पहले नहीं आता, ठीक है, पहले क्या आता है हमेशा, ब्रोमिन कैप्सूल आता है, तो ये ऑप्शन बेटा यही खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो बेटा आपको ऑप्शन देखते हैं बता दोगे क्या गलत है क्या सही है, नहीं पता है तो बेटा फिर खोजते रहोगे कि क्या लगाएं क्या लगाएं क्या लगाएं। तो ब्रोमिन कैप्सूल बेटा दो ही जगह स्टार्ट हो रहा है, दैट इज लास्ट वाले ऑप्शन में, और देख लेते हैं ब्रोमिन कैप्सूल डीसीटी आ गया, डीसीटी बेटा सेकंड लास्ट में आता है, ठीक है, और जो सेकंड होता है दैट इज योर पीसीटी, तो उसका बेटा राइट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देखिए आपका, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं फ्रॉम लंग्स गोज डायरेक्टली टू दी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटो कहा जाता है, ऑक्सीजनेटेड बच्चों जो ब्लड आपका होता है बच्चों लंग से डायरेक्ट कहाँ जाता है ये हमें बताना है, लंग से बच्चों कहाँ जाएगा, लंग से बच्चों मतलब कहाँ आएगा, लेफ्ट एटीएम के अंदर बच्चों, किसके अंदर, लेफ्ट एटीएम के अंदर, लेफ्ट एटीएम से जाएगा बेटा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा बेटा एओर्टा में, एओर्टा से जाएगा बेटा पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। चलिए तो राइट एटीएम में तो आएगा नहीं, राइट एटीएम में तो डीऑक्सीनेटेड आता है, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने से पहले बेटा किस में जाएगा, लेफ्ट एटीएम के अंदर जाएगा, तो राइट आंसर इसका क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, लेफ्ट एटीएम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ बोल रहे बच्चों डी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू दी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि एनर्जी खर्च करने के बाद बच्चों, ठीक है, एनर्जी खर्च करने के बाद जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जिसमें बेटा सीधे सीधे उन्होंने नहीं बोला है, ठीक है, इन्होंने बोला है कि बेसिकली एनर्जी जहाँ खर्च हो रही है, एनर्जी अब किस फॉर्म में होती है बच्चों, एटीपी के फॉर्म में, किसमें बच्चों, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। तो बच्चों ऑस्मोसिस के अंदर तो बेटा ये होता नहीं है, ठीक है ना, पैसिव में होता है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस बेटा इसका होगा नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्या होगा बच्चों, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों,
इवॉल्व ऑक्सीजन, दी इवॉल्व ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, वो कहाँ से आती है बेटा? क्लास में मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है, जिस भी बच्चे को बेटा याद होगा वो इजीली करके आएगा बेटा, हमेशा वो आती है कहाँ से? आपका वाटर से। कहाँ से आती है बच्चों? वाटर से आती है, ना कभी कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। क्लोरोफिल तो बेटा एक पिगमेंट है, तो कभी रिलीज नहीं कर सकता बेटा उसको ऑक्सीजन को। और ग्लूकोज तो बेटा फॉर्म होता है, ग्लूकोज तो बच्चों फॉर्म होता है, तो यहाँ से रिलीज हो नहीं सकती। तो एक ही बेटा जगह है जहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, जहाँ से क्या करते हैं ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, दैट इज वाटर, दैट इज वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए आपका जो बेसिक जो फिल्ट्रेशन है आपका, जो दैट इज यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि जो बेसिक फिल्ट्रेशन होता है इसका यूनिट ऑफ किडनी के अंदर, वो कहाँ से होता है? वो कहाँ से होता है? दैट इज फ्रॉम नेफ्रॉन, दैट इज फ्रॉम नेफ्रॉन। न्यूरॉन तो बेटा ब्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है। ब्रोमोन कैप्सूल बेटा पार्ट है किसका? आपका नेफ्रॉन का। किसका बच्चों? नेफ्रॉन का। ये बेटा एक डक्ट है, तो ये क्या फिल्ट्रेशन करे? ये डक्ट बेटा कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? नेफ्रॉन। क्या होगा बच्चों? नेफ्रॉन। नेक्स्ट हम देखिए बेटा, यहाँ पे दो स्पेशलाइज क्या है बच्चों? सेल्स है। यहाँ पे दो स्पेशलाइज बच्चों क्या है? सेल्स है। किसके अंदर बेटा? स्टोमा के अंदर। और जो सराउंड कर रहे बेटा किसको? आपका एक टाइनी पोर को। किसको बच्चों? एक टाइनी पोर को। तो ये कंडीशन बेटा किसके अंदर होती है? ये कंडीशन बेटा किसके अंदर होती है जरा बताओ तो? दैट इज इन ग्वाड सेल, दैट इज इन ग्वाड सेल। किसके अंदर होता है बच्चों? ये आपका ग्वाड सेल के अंदर ये कंडीशन बेटा देखी जाती है। इज दैट क्लियर? अरे बताइए भाई, इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों जो ऑक्सीजनेशन है बेटा किसका? आपका ब्लड का। किसके अंदर बेटा? ह्यूमन बींग्स के अंदर ये आता है, अकर्स इन। किसके अंदर होता है ऑक्सीजनेशन? किसके अंदर होता है भैया? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है बच्चों? ये हमें बताना है। क्या बताना है बच्चों? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है? क्या बताना है बच्चों? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है ये हमको बताना है, ठीक है? बताएं जरा कहाँ होता है अभी? अभी अंतर कीजिए, मैं देख रहा हूँ आपके जो चैट सेक्शन के अंदर। हाँ भी बताएं जरा। ये हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन हमसे बेटा ये पूछा जा रहा था, क्वेश्चन हमसे बेटा ये पूछा जा रहा था कि ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को हम कहाँ से क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सीजनेट करते हैं। तो बहुत सिंपल आंसर है बच्चों, ये ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस कहाँ से होता है? ठीक है, लंग्स से होता है भाई। लंग्स के अंदर ही तो ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो एटीएम के अंदर कहाँ से हो जाएगा? तो बेसिकली आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट है, इसके पार्ट है भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ बोल रहे हैं व्हेन टर्मिनल फॉस्फेट, जो टर्मिनल फॉस्फेट होता है, जो लिंक होता है किसमें? एटीपी के अंदर, ठीक है। ये आपका टूटता है, ठीक है, यूजिंग वाटर एंड एनर्जी। बेसिकली क्या होती है यहाँ पे? आपकी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है बच्चों? एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। वो तो एनर्जी कितनी होती है, ठीक है? दैट एनर्जी सिंपली नोन एज 30.5 किलो जूल पर मोल। कितनी होती है बच्चों? 30.5 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। इट इज द राइट आंसर, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखिए आपका ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बच्चों क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ क्या करते हैं बच्चों? पाइरूवेट, ठीक है। यानी कि पाइरूवेट जो बेटा किसका रिजल्ट होता है? आपका ग्लाइकोलाइसिस का रिजल्ट होता है। ग्लाइकोलाइसिस को बेटा हम जो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस किया जाता है बच्चों, पाइरूवेट बनता है, जो कि क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है, वाटर देता है, एनर्जी देता है। ये सब कहाँ होता है? ये सब कहाँ होता है ये हमको बताना है, ठीक है। ये सब बच्चों कहाँ होता है ये हमको बताना है। तो बताएं जरा कहाँ पे होता है बच्चों? हाँ भाई, ये सारा जो प्रोसेस है बच्चों कहाँ होता है? दैट इज दैट हैपन इन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट हैपन इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बेटा डाइजेशन कराते हैं ना, जो तो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कहाँ बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखिए बच्चों, किडनी हैज लार्जर नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स, ठीक है, आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है भाई? किडनी के अंदर बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट है। किडनी क्या करती है? फिल्ट्रेशन करती है। फिल्ट्रेशन बेसिकली सारे सेल्स में से बेटा कौन करता है बताओ तो जरा? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इतने इजी क्वेश्चन आएंगे तो फिर हो ही जा रहे हैं सब आपसे। That is nephron. That is nephron. Is that clear? अरे बताइए भाई, nephron ही तो होगा इसका आंसर, ठीक है भाई। चलिए
नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चों। द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है, इस प्लेस। देखो ये क्वेश्चन बेटा दोबारा आ गया, ये क्वेश्चन बच्चों दोबारा आ गया कि विद द हेल्प ऑफ बेसिकली किसके बच्चों, ऑक्सीजन की हेल्प से जो बेसिकली ब्रेकडाउन करते हैं किसका, पाइरूवेट का, ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, ये सिंपली होता है बेटा किसके अंदर, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, कैसे, किसके अंदर बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो ब्रेकडाउन है आपका किसका बेसिकली, ब्रेकडाउन है बेटा किसका आपका, पाइरूवेट का, कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए भाई, आपका कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए, वाटर देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, ये कहाँ होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट का फॉर, फिर देखो फिर दोबारा बेटा घूम फिर करके वही क्वेश्चन आ गया, दोबारा बच्चों घूम फिर के वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जो पाइरूवेट को हम गिफ्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, ये सब कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कहाँ होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, द किडनी, दी किडनी एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये किसका पार्ट होता है भाई, ये किडनी होती है बच्चों, ये किसका पार्ट है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नोटेशन का तो बेटा बिल्कुल भी नहीं है, रेस्पिरेशन का भी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का भी नहीं है, ठीक है, एक ही का बेटा पार्ट है, दैट इज एक्सक्रीशन, दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन बेटा ये क्या करते हैं, सिंपली परफॉर्म करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे आप जो ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा, इसको क्या क्या चाहिए होता है। ऑटोटॉपिक यानी कि जो बेटा वो टाइप ऑफ बेसिकली न्यूट्रिशन है जहाँ पे प्लांट क्या करते हैं, अपने खाना खुद बनाते हैं, क्या करते हैं बेटा, प्लांट खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। इनको क्या क्या चाहिए होता है ये बेसिकली हमसे पूछ रहे हैं। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए बच्चों, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, और सारी चीजें चाहिए भाई, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दी अबव, क्या होगा बच्चों, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है भाई जाइलम, जाइलम क्या करती है भाई बताइए, जाइलम क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, क्या करती है भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है किसका बच्चों, वाटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, इन प्लांट्स ऑटोटॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेसिकली ये कहाँ होता है, जो ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों ये कहाँ होता है, ये हमको बताना है, ठीक है बच्चों। तो ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, इसको क्या क्या चाहिए होता है भाई, इसको सब कुछ चाहिए ना, इसको तो सब कुछ चाहिए होगा, सनलाइट भी चाहिए होगी, ठीक है, और क्लोरोफिल भी चाहिए होगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, प्लांट्स की हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, जो कंप्लीट डाइजेशन बेटा जो होता है फूड का वो कहाँ होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, ये कहाँ होता है बच्चों, दैट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टमक के अंदर बेटा डाइजेशन शुरू होता है, ड्यूटेरियम बेटा फर्स्ट पार्ट है बेटा किसका, इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन बेटा से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसका करंट आंसर क्या होगा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। डाइजेशन भी होता है बेटा कंप्लीट, एब्जॉर्प्शन भी यही होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी बच्चों यही होता है किसका, डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द ऑर्गेनिज्म, दी एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम अनदर लार्ज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड हार्म्स इट, एंड हाँ ऑल्सो हार्म्स इट, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, यानी कि कैसा ऑर्गेनिज्म तो दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या ले रहा है, अपना नरिशमेंट ले रहा है, ठीक है, एक बड़े ऑर्गेनिज्म अपना नरिशमेंट ले रहा है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हार्म भी कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, पैरासाइट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को रह करके उससे अपना खाना ड्राइव करता है। सेप्रोफाइट जो बेटा क्या होता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, डेड और डिकिंग मैटर के ऊपर। ऑटोटॉफिक बेटा जो होते हैं अपने खाना खुद बनाते हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बच्चों। सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म या दो स्पीशीज बेसिकली टुगेदर रहती है बेटा, किसके लिए, आपका एक दूसरे के फायदे के लिए, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सिंपली क्या होगा बच्चों, पैरासाइट, क्या होगा बच्चों, पैरासाइट इज द राइट आंसर, पैरासाइट इज द राइट आंसर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग चलते हैं। चलिए ठीक है, तो बेटा क्या है आपका, दी ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स एंड ऑन एनिमल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कार्निवोर्स वो होते हैं जो बेसिकली क्या खाते हैं बच्चों, फ्लैश फूड खाते हैं। हर्बिवोर्स बेटा वो होते हैं जो बेसिकली क्या खाते हैं, आपका प्लांट खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स को बेटा कंज्यूम करते हैं। कार्निवोर्स होते हैं बेसिकली फ्लैश फूड को कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा बेटा पैरासाइट वो है जो बेसिकली क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म बेटा यहाँ पे बचते हैं, दैट इज ओमनीवोर्स, दैट इज ओमनीवोर्स। इसे बंद कर दिया ना, नाक बंद हो रही।
ठीक है, तो क्या आते हैं बच्चों यहाँ पे, ओमनिवोर्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, ओमनिवोर्स आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ओमनिवोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, विलाई आर प्रेजेंट इन। विलाई आर प्रेजेंट इन, विलाई क्या होते हैं बच्चों, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करते हैं। किसमें बच्चों, सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करते हैं। किसके अंदर बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, वेरस बेटा आपका इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो बेटा इसका राइट आंसर बेटा लंग्स भी हो सकता है। ठीक है, तो लंग्स और बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन बेटे क्या है बच्चों, दोनों इसके आंसर है। ठीक है, लंग्स स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होंगे भाई, ए एंड सी होंगे। ठीक है, लंग्स के अंदर बेटा जो विलाई नहीं होता है वो क्या होता है, बेसिकली फिंगलर फिशर होते हैं, वो होते हैं क्या बच्चों, सीलिया। क्या होते हैं बच्चों, सीलिया। क्या होते हैं बच्चों, सीलिया होते हैं। तो इसको राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ए एंड सी। क्या होगा बच्चों, एएनसी। नेक्स्ट हम देखेंगे, एल्वुलाई आर फाउंड। ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। एल्वुलाई क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं बच्चों, एल्वुलाई क्या होते हैं बच्चों, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, बलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, विच विच परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस, विच परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस, विच परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, लंग्स होगा। क्या होगा बच्चों, लंग्स होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलो बच्चों नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट आपका बेटा क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा के अंदर बेटा कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बेटा हमें देखना है, ट्रिप्सिन बेटा प्रेजेंट होता है कहाँ पे, आपका स्टमक के अंदर। कहाँ पे बच्चों, स्टमक के अंदर। तो ये तो इसका आंसर बेटा होने से रहा। ठीक है, ठीक है, पेप्सिन बेटा क्या होता है आपका, ये भी स्टमक के अंदर ही पाया जाता है। कहाँ पे बच्चों, स्टमक के अंदर ही पाया जाता है, और इन्वॉल्व होता है किसमें बच्चों, डाइजेशन में। किसमें बच्चों, डाइजेशन में। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर होने से रहा, नन ऑफ दीस हो नहीं सकता। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, एमिलेज। क्या होगा बच्चों, एमिलेज। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेवनी एमिलेज। क्या बोलते हैं इसको, पूरा नाम क्या है इसका, क्या बच्चों उसका, सिलेवरी एमिलेज। सिलेवरी एमिजीज क्या बोलता है, कॉल्ड जो बेसिकली सब्सटेंट है बेटा सलाइवा पाया जाता है, दैट इज सिलेवरी लाइसोसोम, दैट इज सिलेवरी लाइसोसोम, दैट इज सिलेवरी लाइसोसोम। इज दैट क्लियर। चलिए चलिए भाई, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, जो नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन है वो हम देखने जा रहे हैं, विच वन इज नॉट द करेक्ट डायरेक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बच्चों, विच वन इज नॉट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन का क्या करेक्ट बेसिकली क्या आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये बेटा हमको देखना है। तो पहले ऑप्शन में बोल रहे हैं बच्चों कि आर्टरीज से कहाँ जाएगा, आर्टरियोस में जाएगा, और आर्टरियो से कहाँ जाएगा बच्चों, कैपिलरीज में जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आर्टरीज बेटा ये ऑप्शन तो होने से रहा, ये ऑप्शन तो होने से रहा। ठीक है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन चलते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वीन्स ऑफ इट, देन वेल्स, ये भी नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, चलिए पल्मोनरी आर्टरी से बेटा लंग्स में जाता है, बहुत सही, पल्मोनरी फिर वीन में जाता है, फिर हार्ट में जाता है। तो बेटा ये इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन है। फोर्थ भी देख लेते हैं बच्चों, पल्मोनरी वीन से लंग्स में जा रहा है, नहीं भाई पल्मोनरी वीन से लंग्स में कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये भी बेटा इसका राइट आंसर नहीं है, ये भी इसका बच्चों राइट आंसर नहीं है। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्या होगा बच्चों, इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा जा रहा है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। ये बोल रहे हैं बच्चों, द फिश सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, जो फिश होते हैं बच्चों उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेसिकली उसमें क्या क्या नहीं होता। ठीक है, तो ये हमें बताना है बच्चों, ये हमें बताना है। तो सिंगल सर्कुलेशन तो नहीं होता भाई। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन तो नहीं होता। ठीक है, क्या होता है बच्चों, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन होता है। हाँ भाई, डबल सर्कुलेशन होता है क्या, बेसिकली उनके पास हार्ट में बेटा दो बार ब्लड आता है, तो उनका हार्ट ही कितने चेम्बर का होता है, टू चेम्बर का होता है। कितने चेम्बर का बच्चों, टू चेम्बर का। कितने चेम्बर का बच्चों, टू चेम्बर का। तो हार्ट है तो बेटा दो बार कैसे आ जाएगा, एक बार आर्टरी में आएगा, आर्टरी से वीन, वीन से फिर बॉडी में चला जाएगा। तो दो बार सुनी से रहा, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बच्चों, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज मिक्सिंग ऑफ
ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा ये इसके अंदर होता है। और कुछ ऑप्शन बेटा देखा गया आपका डबल सर्कुलेशन भी कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चलिए तो क्लोज सर्कुलेशन तो बेटा इसमें होता नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर ये या नहीं होता तो ऑप्शन क्या लगाते हैं, बी लगाते। क्या लगाते हैं बच्चों, बी लगाते, ठीक है भाई। चलिए जो वर्टिब्रेट होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स का हार्ट होता है बेटा रिसीव करता है क्या आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या रिसीव करता है बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से बच्चों लंग्स के थ्रू, कहाँ से बच्चों लंग्स के थ्रू, ठीक है। जो वर्टिब्रेट्स का हार्ट है रिसीव करता है क्या आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ठीक है। कहाँ से आता है भाई जरा बताओ तो, ठीक है। लंग्स में जब बेटा हार्ट आएगा किसमें, वर्टिब्रेट्स में, तो ये बेटा पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी तो लेके जाती है, तो बेटा लेके आना है, ठीक है। हार्ट क्या करना है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना है कहाँ से, लंग्स से। तो लेके आने का जो काम होता है वो किसका होता है बच्चों, पल्मोनरी वीन का होता है, और जो लेके जाती है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और ठीक है यहाँ पहुंचा किसके थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेटा डिफरेंट पार्ट है, तो ये तो पार्ट होने से पार्ट तो पूछे ही नहीं है, पूछा ये किसके थ्रू जाएगा, ठीक है। तो थ्रू का मतलब क्या है कि जो उसको लेके जाएगा, ठीक है। तो लेके कौन जाएगा बच्चों, पल्मोनरी वीन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बेटा सिलेक्शन कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है, इसलिए बोला जाता है बार बार बेटा लास्ट ईयर के क्वेश्चन करो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन करो, ठीक है। और जो मतलब क्वेश्चन बेटा ज्यादा लगा उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन को ग्रैप करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर बेटा डेवलप होगी, ठीक है। उससे क्या होगा बच्चों, आपको क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, आप टारगेट कर पाओगे, तोड़ पाओगे और उसको उसका आंसर बेटा निकाल पाओगे, ठीक है। इज दैट क्लियर। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर, क्या देखेंगे बच्चों, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट बेटा हमें बताना है जो बेसिकली क्या करता है आपका ब्लड मेजरिंग के अंदर यूज करता है, ठीक है। तो बच्चा उसको हम क्या बोलते हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, बीपी क्या बोलते हैं बच्चों, बीपी इंस्ट्रूमेंट उसको हम क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैमोमीटर, क्या बोलते हैं बच्चों, स्फिग्मोमैमोमीटर, क्या बोलते हैं बच्चों, स्फिग्मोमैमोमीटर। याद करके जाइएगा बच्चों, ये आपको क्लास में मैंने बताया था जो ब्लड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज बीपी इंस्ट्रूमेंट, व्हिच इज आल्सो नोन एज, व्हिच इज एक्चुअल नेम है नेम्ड एज स्फिग्मोमैमोमीटर, ठीक है। फोटोमीटर बेटा नहीं होता है, लेक्टोमीटर भी नहीं होता है, और नन ऑफ द अबव भी बेटा नहीं होगा जब आंसर दे रखा है तो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखिए आपका जो कार्बन बेटा और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है बेटा किसकी, आपकी ऑटोट्रॉप्स की, ये फुलफिल्ड की जाती है, ये बच्चों क्या की जाती है आपका, फुलफिल्ड की जाती है, किससे फुलफिल्ड की जाती है ये हमको बताना है, ये हमको बताना है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम देखिए आपका कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉप इज फुलफिल्ड बाय, किसके थ्रू होगा भाई, कार्बन है और एनर्जी है, ठीक है। ऑटोट्रॉप से यानी खाना खुद बनाना है, अपना खाना खुद कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं, कौन बनाते हैं बच्चों, प्लांट्स बनाते हैं। तो प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस द राइट आंसर। बहुत डिसेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, बहुत डिसेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता बच्चों की आपसे क्वेश्चन ना हो, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे द ट्रांसकोलोकेशन, द ट्रांसकोलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन फोइलम इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग, इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग, इसको यूटिलाइज करके बच्चे हम क्या करते हैं आपका ट्रांसकोलोकेशन कर सकते हैं बच्चों, किसका, फोटोसिंथेसिस का, किसके अंदर बच्चों, फोइलम के अंदर, किसके अंदर बच्चों, फोइलम के अंदर, ये हमको बताना है, ठीक है। ठीक है भाई, फोइलम के अंदर हमें क्या करना है, एनर्जी को यूटिलाइज करना है और क्या करना है, फोटोसिंथेसिस को बेटा ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये बेटा किसकी हेल्प से हो सकता है आपका, एनर्जी की हेल्प से, और जो आपकी किसमें होगी बेटा, एटीपी के अंदर होगी। प्रेशर ग्रेडिएंट बेटा यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, सक्शन भी नहीं करेगा और ऑस्मोटिक एंड सक्शन प्रेशर भी नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए आपका द गैस्ट्रिक ग्लैंड, दी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन दी वॉल्स ऑफ स्टमक, यहाँ पे भाई जो वॉल्स ऑफ स्टमक के अंदर बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो रिलीज होते हैं कहाँ से, रिलीज होते हैं कहाँ से हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या बेटा, बिलिरुबिन है, एचसीएल है, म्यूकस है, ये सब बेसिकली रिलीज होते हैं कहाँ पे आपका, कहाँ से रिलीज होते हैं भाई, ये आपका बेसिकली स्टमक में रिलीज होता है, ये भी स्टमक में रिलीज होता है। बिलिरुबिन बेटा किससे होता है आपका, लिवर से होता है, किससे होता है बच्चों, लिवर से होता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड सबसे पूछा गया है, क्या पूछा गया बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। एचसीएल बेटा कहाँ से होता है, स्टमक में होता है, एंजाइम्स और सलाइवा, सलाइवा तो माउथ में होता है तो ये भी नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस बेटा ये सब रिलीज होते हैं कहाँ पे आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, कहाँ से बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। एंजाइम, इंसुलिन, सलाइवा, सलाइवा तो माउथ से होता है ना भाई, ब्लकल कैविटी में, कहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड से, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, इज दैट क्लियर।
अरे समझ में आ रहा है बच्चों, सब क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसीज, प्रेजेंट इन आरबीसीज, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर, यानी कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जो आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, ठीक है, जो क्या करता है, सिंपली आपका पिगमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन बेटा कैसा होता है आपका, रेड कलर होता है, कैसा होता है बच्चों, रेड कलर होता है, ठीक है, क्या करता है ये, ऑक्सीजन कैरी करता है, क्या करता है बच्चों, ओ टू को कैरी करता है, ठीक है भाई। तो डब्ल्यूबीसीज तो बेटा नहीं होंगे, इसोफिनल भी नहीं होंगे, एफएफ क्या होंगे आपके, एचबी, दैट इज हीमोग्लोबिन, दैट इज हीमोग्लोबिन, दैट इज हीमोग्लोबिन। और जो ब्लड सर्कुलर है बेटा, ये भी नहीं होगा, ये जो ब्लड सर्कुलर है बेटा, ये भी नहीं होगा। इन ह्यूमन हार्ट, अगर ह्यूमन हार्ट की बेटा बात करें, तो जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड है फ्रॉम दी बॉडी केम्स टू, ठीक है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड बेटा कहाँ आता है ये हमको बताना है, ठीक है, तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड बेटा कहाँ आता है ये हमको बताना है, ठीक है, तो कहाँ आता है बच्चों, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में आता है, नहीं, राइट वेंट्रिकल में कैसे डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, आएगा तो आर्टरी के थ्रू ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, वेंट्रिकल तो बेटा होंगे नहीं, वेंट्रिकल जो लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर, तो ये भी नहीं होगा, और लेफ्ट ऑरिकल भी नहीं होगा, ये रिसीव करता है कहाँ से बेटा, लंग से, ठीक है, तो एक ही बचा बच्चों क्या आपका, राइट एट्रियम, क्या बच्चों, राइट एट्रियम, लेके कौन आता है इसमें, वीना कावा, कौन लेके आता है बच्चों इसमें, वीना कावा, कौन लेके आता है बच्चों इसमें, वीना कावा, कौन लेके आता है बच्चों इसमें, वीना कावा। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों क्या आपका, एसेंट ऑफ सैप, क्या देखेंगे बच्चों, एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप बेटा सैप होता है बेटा, जो कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, प्लांट के अंदर, मतलब कह सकते हैं बेसिकली आपका ये सर्कुलेटरी फ्लूइड है बेटा, किसका, प्लांट का, किसका बच्चों, ये सर्कुलेटरी फ्लूइड है बच्चों, किसका, प्लांट का, क्या बच्चों, एसेंट ऑफ सैप, क्या बच्चों, एसेंट ऑफ सैप, ठीक है, इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू, किसके थ्रू जाता है ये हमको बताना है, किसके थ्रू जाता है बच्चों ये हमको बताना है, ठीक है। अब जो एसेंट ऑफ सैप बेटा फ्लूइड है, तो आपका मेनली जो फ्लूइड का बेसिकली जो ट्रांसकोलोकेशन करती है, दैट इज जाइलम, दैट इज जाइलम। अब जाइलम के बेटा इसमें से एलिमेंट देख लो क्या क्या एलिमेंट है, क्या क्या एलिमेंट है, तो बेटा वैसे लाइक तो, ठीक है, और उसके बाद बेटा ट्रैकिड है, ये दोनों बेटा क्या करती है, जाइलम के एलिमेंट है, और जाइलम ही क्या कराती है, एसेंट ऑफ सैप को बेटा ट्रांसपोर्ट कराती है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, क्या होगा भाई, ट्रैकिड और वैसल, बेटा ये सब याद करके जाना होगा तभी हो पाएगा। सिफ टू बेटा ये प्रेजेंट होता है फोइलम में, फोइलम क्या कराती है, फूड का कंडक्शन, फोइलम यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, ऑल ऑफ दी अबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फोइलम आ रहे हैं बेटा इसके अंदर, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका नहीं है, राइट ऑप्शन क्या है बच्चों इसका, ट्रैकिड और जाइलम, दैट इज योर जाइलम, दैट इज योर जाइलम। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज व्हेन टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर यूज्ड, जब दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बच्चों हम यूज करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, जब दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज किया जाता है बच्चों तो क्या बनता है ये हमको बताना है, ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है बच्चों, एएमपी फॉर्म होता है या फिर एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है, एएमपी क्या आ गया सर, ठीक है, एएमपी क्या हो गया, एटीपी आपको पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये होगा बच्चों एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्या होगा बच्चों, एम फॉर मोनो, ठीक है, टी फॉर ट्राई, टी फॉर ट्राई, डी फॉर डाई, डी फॉर डाई, तो याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, तो दो इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट बेटा जो यूज किए जाते हैं तो उसमें क्या होगा, एएमपी होगा और एटीपी होगा, इज इट क्लियर। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे, इन व्हिच कन्वर्जेशन वन जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है बेटा आपका रिलीज होता है, कितना बच्चों, वन जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है वो हमको बताना है, ठीक है, तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कहाँ रिलीज होता है, ठीक है, एक किसमें रिलीज होगा, एक यानी कि एक ही है बेसिकली, यानी कि एक फॉस्फेट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ट्राई है, ट्राई में से मोनो बन रहा है तो कितने निकल लोगे भाई, ट्राई था ना यहाँ पे, ट्राई में से मोनो के अंदर कन्वर्ट हो गया तो दो निकल रहे हैं इसमें, ठीक है, मोनो से बेसिकली क्या हो गया, डाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो ले रहा है, दे कर रहा है, तो बात हो रही है क्या बेटा, रिलीज, तो क्वेश्चन पकड़ना सीखो, क्वेश्चन पकड़ना सीखो, ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं कन्वर्जन ऑफ वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज, जो निकल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, यूज हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, यूज हो रहा है, हमें क्या निकालना है, जहाँ पे निकल रहा हो, तो बच्चों क्या है आपका, एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये कन्वर्ट होगा किसमें बच्चों, मोनोफॉस्फेट, ये तो यहाँ से क्या निकल रहा है, एक फॉस्फेट निकल रहा है ना, एक फॉस्फेट निकल रहा है ना, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, ठीक है भाई, बी होगा। एडिनोसिन डाइफोसेट की बात करें तो बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, एटीपी बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, एटीपी बन रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, डाई से ट्राई बन रहा है ना, हमें तो निकालना है, ये भी ले रहा है, ये भी क्या कर रहा है बच्चों, ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, इज दैट क्लियर। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन बेटा आप तभी आप इसको कर पाओगे जब आपको पता होगा, पता नहीं होगा तो बेटा नहीं कर पाओगे, तो बी वेरी क्लियर, ठीक है, तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा,
पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखिए, आपका जो ब्लड है मे बी प्योरीफाइड बाय, किसके थ्रू प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। कोएगुलेशन क्या होता है, कोएगुलेशन यानी कि उसके लिए जो क्लॉट बन जाते हैं ब्लड के, तो ये तो होगा नहीं बेटा, ठीक है। फिल्ट्रेशन की अगर बेटा हम बात करें, इसके बच्चों फिल्ट्रेशन की बात करें तो बेटा वाटर थोड़ी है जो उसको हम फिल्टर करके निकाल लेंगे, फिल्टर के थ्रू पास करेंगे। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आयरन बेटा जो होता है डायरेक्ट हीमोग्लोबिन, वो सारा इलेक्ट्रोलाइट्स में जाके चिपक जाएगा, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक ही बचा बच्चों, एक ही बचा, दैट इज डायलिसिस, दैट इज डायलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका ये जो प्लांट है दैट लिव, ठीक है, ऑन अदर प्लांट, यानी एक प्लांट बेटा जब दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। बट एक और चीज बेटो, बट डू नॉट रिसीव नरिशमेंट, यानी कि नरिशमेंट वहां से नहीं ले रहा है, तो पैरासाइट से होने से रहा, तो पैरासाइट तो होने से रहा, ठीक है। फ्रॉम देम आर नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म बेटा जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को रह रहा है लेकिन उससे नरिशमेंट नहीं रह रहा है, ठीक है, तो पैरासाइट तो बेटा होने से रहा, ठीक है। जीरोफाइट भी बेटा नहीं होंगे जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट बेटा जो होते हैं जो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, पानी के अंदर, कहाँ पे बच्चों, वाटर के अंदर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा बच्चों, एपीफाइट। क्या होगा बच्चों, एपीफाइट। याद रखिएगा अगली बार उसका क्वेश्चन पूछ ले कि जो पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट बोलते हैं। जीरो जो फाइट होते हैं बच्चों ये कहाँ होते हैं, आपके डेजर्ट एरिया में जो बेसिकली जो जीरोट्रॉफिक एरिया होते हैं बेटा वहाँ पाए जाते हैं। पैरासिटिक का क्वेश्चन बेटा ऊपर आ ही चुका है, ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा इन्हीं में से, इन्हीं वर्ड्स में से घुमा फिरा करके आपसे दोबारा पूछ लिया जाएगा, इसको बच्चों आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। चलो देखते हैं, ऑफ द टोटल आयरन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जितनी आयरन हमारी बॉडी के अंदर होती है, व्हाट परसेंटेज, ठीक है, इन फाइंड इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी परसेंट उसकी देखने को मिलती है, ये हमें बताना है, ये हमें बताना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर बड़े कितनी फॉर्म में मिलती है, तो 85% नहीं होगा भाई, 85% तो और भी जगह बेसिकली क्या पड़ती है, हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है। 45 भी नहीं होगा बेटा, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है, आपको पता होगा तो आप कर लोगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे, तो उसको बेटा आपको क्या करना है, सिंपली याद कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए, ये वही लोग कर सकते हैं जो बेसिकली इनको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा बेटा नहीं कर पाएगा, ये डाटा कहीं भी मेंशन नहीं होता है, ये डाटा कहीं भी मेंशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गन टू बी ट्रांसप्लांटेड सक्सेसफुली इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर बेटा ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो आपका क्या हो गया बच्चों, सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। हर्ट ट्रांसप्लांट बेटा अभी हो रहा है लेकिन इतना ज्यादा सक्सेसफुल ये भी नहीं है, ठीक है। लीवर ट्रांसप्लांट बेटा हो जाता है लेकिन ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं है। लंग्स तो बेटा अभी पॉसिबल ही नहीं है, लंग्स का किया गया है लेकिन इतना ज्यादा कारगर नहीं निकला है, जो कारगर निकला है बेटा वो एक ही निकला है पूरी तरीके से, दैट इज किडनी, दैट इज किडनी, ठीक है। किडनी को हम सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं बच्चों, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, इन सी हॉर्स, इन सी हॉर्स, सी हॉर्स बेटा मैंने बताया था आपका प्रेग्नेंट मेल, इसमें हार्ट जो होता है बच्चों दो चेंबर होता है, ठीक है, और जो वॉल ऑफ लिजर्ड इसमें बेटा तीन चेंबर होता है, कितना होता है बच्चों, थ्री चेंबर होता है। वायलिन अगर पिजन की बेटा बात करें, इट इज इन फोर चेंबर, ठीक है, तो इन केस ऑफ अ मैन, तो मैन के अंदर कितना होगा, एक मैन के अंदर कितना होगा भाई, मैन के अंदर तो फोर चेंबर ही होगा ना, इन सबसे हमारा क्या लेना देना, ठीक है, लेना देना तो है, हमारे के अंदर कहीं एंसेस्टर होंगे ये, ठीक है, क्योंकि जो कैरेक्टर हमारे अंदर प्रेजेंट है बेटा वो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं बेसिकली इनके अंदर से इवॉल्व होकर के आए हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको पता है बच्चों फोर चेंबर होता है बेटा ह्यूमंस के अंदर, मैंस के अंदर, तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, आपको ज्यादा इसमें कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे आपका ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल इक्वेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल इक्वेशन क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे बेटा 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ठीक है, तो क्या बन रहा है आपका, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन रहा है, 6 अमाउंट ऑफ क्या निकल रहा है बच्चों, H2 और 6 ऑक्सीजन निकल रही है, तो कंप्लीट तो बेटा यही लग रहा है, और भी बाकी देख लेते हैं, हो सकता है कोई और भी कंप्लीट हो, ठीक है, तो 6 अमाउंट ऑफ 6 मॉलिक्यूल बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, 6 ही वाटर के हैं, वाटर के तो 12 चाहिए होते हैं, ठीक है, तो ये पॉसिबल बेटा नहीं हो पाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वैसे नीचे चलता है बेटा, यहाँ भी 6 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, पता क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो ये इसका क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, राइट आंसर है, क्या है बच्चों, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम देखिए बच्चों, इन इंसेक्ट, इन इंसेक्ट्स, इन इंसेक्ट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बेटा इंसेक्ट्स के अंदर क्या होते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर बच्चों रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, ये तो एम्फीबियन में होता है, किसमें होता है बच्चों, एम्फीबियन में, किसमें बच्चों, इसमें बच्चों एम्फीबियन में, ये किसमें होता है, मैमल्स में, किसमें बच्चों, मैमल्स में, इसमें बच्चों, मैमल्स में, ये किसमें होता है बच्चों, फिशेज में, किसमें होता है बच्चों,
में बचा क्या आपका इंथेक्स का, क्या बचा बच्चों? ट्रैकिया। क्या बचा बच्चों? ट्रैकियल सिस्टम होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अरे बताइए भाई, आई होप सबको बेटा समझ में आ रहा है, सबका क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन अ सेल रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, ऑक्सीजन रिडक्शन बेटा जो होता है किसी भी एक सेल के अंदर, उसमें क्या चाहिए होता है, उसमें हमें क्या चाहिए होता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आयरन का बेटा वहां पे कोई भी काम नहीं है, आयरन का वहां पे कोई भी काम नहीं है, ना बेटा सोडियम का काम है, ना बच्चों सोडियम का काम है, और ना ही कैल्शियम का काम है। तो बचा क्या बच्चों? ले दे करके क्या बचा? दैट इज योर फॉस्फोरस। क्या बचा बच्चों? फॉस्फोरस बेटा बचा। ठीक है, तो रिडॉक्सेशन के अंदर एक ही बेसिकली क्या आपका बेटा एलिमेंट है बेटा जो इन्वॉल्व रहता है, दैट इज फॉस्फोरस। दैट इज फॉस्फोरस। क्या है बच्चों? फॉस्फोरस है। अब फॉस्फोरस कहाँ इन्वॉल्व होता है तो ये देख लेते हैं बच्चों। ये हमने देखा बच्चों, अभी ऊपर हम देख के आ रहे हैं, ये प्रेजेंट होता है बच्चों किसमें आपका? एटीपी में। किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों? एटीपी के अंदर प्रेजेंट होता है। किसमें बच्चों? एटीपी के अंदर प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों? एटीपी के अंदर प्रेजेंट होता है। अरे समझ में आ रहा है ना, एटीपी के अंदर बच्चों प्रेजेंट होता है। तो एटीपी के अंदर प्रेजेंट है बेटा, तो एटीपी कहीं ना कहीं बेसिकली क्या करती है? रिडॉक्सेशन करती है। क्या करती है बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन करती है। क्या करती है बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन करती है। ठीक है, उसका आंसर दैट्स व्हाई बेटा क्या है आपका? फास्फोरस है। क्या है बच्चों? दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या है? फास्फोरस है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए अब लास्ट लास्ट क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर का हम देखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ संकिन, द प्रेजेंस ऑफ संकिन स्टोमेटा। ठीक है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इसका कैरेक्टरिस्टिक है संकिन स्टोमेटा। संकिन यानी कि बेटा क्लोज स्टोमेटा। संकिन का क्या मतलब बच्चों? क्लोज स्टोमेटा की ये बात कर रहे हैं, क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, संकीन का हम कह सकते हैं जो नैरोली ओपन भी हो। ठीक है, तो ये बेटा किस तरह के प्लांट्स में होगा वो हम देख लेते हैं। जीरोफाइट प्लांट बेटा मैंने आपको बताया था, वो प्लांट होते हैं जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? डेजर्ट एरिया में। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? डेजर्ट एरिया में। मीसोफाइट जो बेटा आपका नॉर्मल टेस्ट एरिया में पाए जाते हैं, कहाँ पे बच्चों? टेरेस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स की अगर बेटा बात करें, हाइड्रोफाइट्स की बेटा अगर बात करें तो ये आपका कहाँ पाए जाते हैं बेटा? एक्वेटिक वाटर बॉडीज में। कहाँ पे बच्चों? एक्वेटिक वाटर बॉडीज में। और ये तो बेटा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ठीक है, आपने डेजर्ट वाले प्लांट को और हाइड्रो प्लांट को एक साथ रख दिया है, दैट इज नॉट अ लॉजिक। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीरोफाइट। अब जीरोफाइट क्यों होगा सर बेटा? ये डेजर्ट एरिया में मिल रहे हैं ना, तो डेजर्ट एरिया में बेटा अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा, अगर स्टोमेटा बच्चों ओपन रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से? लॉस ऑफ वाटर होगा। क्या होगा बच्चों? लॉस ऑफ वाटर होगा। ठीक है, और लॉस ऑफ बेसिकली गैसेस भी होगा। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी बच्चों यहाँ से होगा। ठीक है, तो हमें लॉस ऑफ वाटर को बेटा बचाने के लिए हम क्या करेंगे? स्टोमेटा को संकीन फॉर्म में रखेंगे। किसमें रखेंगे बच्चों? संकीन फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है इसमें किसमें आपका? कैसे बच्चों? जीरोफाइटिस के अंदर। जीरोफाइटिस या जीरोफाइट भी बेटा इसको हम बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, सो दैट इज ऑल अबाउट योर टुडेस क्लास बेटा। ये आपका हमने कंप्लीट कर दिया कि आपका लाइफ प्रोसेस। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा आपके 12th के बचे हुए हैं, तो जो आपकी कल की जो बेटा आपकी वीडियो है बेटा उसमें हम उसको बेटी उसको भी कंक्लूड कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कीजिए, रिवाइज कीजिए और पढ़िए आराम से, एंजॉय कीजिए। ठीक है भाई, चलिए ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।